हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। और जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, एक और प्लेन वॉल आपको नज़र आ रही है। ये लाइट येलोइश या पेल येलो या एप्रिकॉट कलर, जो भी आप कह रहे हैं वो कलर है। और आज मैं इस पे लगाने जा रही हूँ एक वॉल स्टिकर। जैसा कि मैंने पिछले वाले वीडियो में आपको दिखाया था कि मैंने वॉल स्टिकर लगाया था, और उसी तरीके से आज इस रूम के इस वॉल पर ये वॉल स्टिकर लगाने जा रही हूँ। तो दिखाती हूँ आपको, ये है वॉल स्टिकर जो आपको उस वॉल पे नज़र आने वाला है। और ये रहेगा उस वॉल इस स्टिकर का पैटर्न। तो अगर आपको भी जानना है कि ये वॉल स्टिकर मेरे वॉल पर लग करके कैसा लुक देती है और मैं इसमें क्या क्या चेंजेस करने वाली हूँ, तो बने रहिए इस वीडियो के एंड तक। और प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ में। एंड अगर आप पहली बार देख रहे हैं मेरे चैनल को, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर करिए। एंड हाँ, मैं आपको बता दूं कि मैंने अभी लास्ट वीडियो अपना जो डाला था वो इस वॉल स्टिकर का था, जो मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, और इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखा है। तो ये आप लोगों को कैसा लगा बिल्कुल बताइएगा। और अगर आप देखना चाहते हैं कि ये स्टिकर मैंने कैसे डिज़ाइन को चेंज किया है, क्या क्या चेंजमेंट किए हैं अपने अकॉर्डिंग, सैम्पल के अलावा मैंने क्या चेंज किए हैं, तो आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं इस स्टिकर के बारे में है। इस वाले स्टिकर में जो है, इसमें नंबर्स नहीं डाले हुए हैं, तो पूरे जितने भी ये डिज़ाइन पैटर्न दिया हुआ है, ये पूरा इसको देख करके, सैम्पल को देख करके हमें खुद से बनाना है, एंड सो दैट कि हमारी पूरी वॉल कवर हो जाए। तो देखते हैं कि कैसे बनता है ये वीडियो। तो ये देखिए, हम लगाने जा रहे हैं पहला सर्किल। ये इसमें इसके सारे सर्किल जितने भी हैं स्टिकर में, सब सेपरेटेड हैं, तो हमें पूरा डिज़ाइन अपने हिसाब से देखना है कि कितने मेजरमेंट पे, कितनी दूरी पे रहेगा। एक्चुअली ये हम पहले लेकर के जाने की सोच रहे हैं इस तरीके से डायगनल में, जिससे कि हमें पता चल जाए कि हमें कितने वॉल को कवर करना है और कितनी स्पेसिंग रखनी है दो सर्किल्स के बीच में, सो दैट हम पूरी वॉल को कवर अप कर पाए। एंड मे बी यही वॉल आपको दिखाई दे इन फ्यूचर मेरे यूट्यूब वीडियोज़ में, क्योंकि मैं सोच रही हूँ इस वाली वॉल को थोड़ा सा कुछ इस तरीके का बैकग्राउंड बनाने की, जो कि मेरे यूट्यूब के वीडियोस में आ पाए, ढंग से बन पाए, जिसमें बैकग्राउंड में दिखा पाऊँ। तो देखते हैं कैसा रहता है, बनने के बाद पता चलेगा कि ये मेरा सोचना कितना फ्रूटफुल रहता है। अभी ये पहला सर्किल लगाया है, अभी पूरी डायगनल कंप्लीट करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कैसा दिख रहा है। तो ये देखिए, ये इस तरीके से हमने कुछ पैटर्न को कंप्लीट किया है। पूरी वॉल हमें कंप्लीट कवर करनी थी, तो एक ये डायगनल सा पैटर्न बना लिया है, बिकॉज ये एक कॉर्नर से स्टार्ट होकर दूसरे कॉर्नर तक जाना था, और बीच में ये पूरा बढ़ेगा फैलेगा, तो कुछ इस तरीके से हमने कोशिश की। इसको दूर से मैं दिखाती हूँ, ये देखिए ये आ रही है फुल वॉल, कुछ एक अंदाजा सा लगभग सा डायगनल सा हमने बना लिया है। अब इसको हम दोनों साइड पर फैलाएँगे। ये अभी हमारे पास इतने सारे सर्कल्स बचे हुए हैं, तो अब हमें इससे बचा हुआ पैटर्न पूरा करना है। इस डायगनल के दोनों साइड्स पे, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड पे, हमें इसको फैलाना है, सो दैट ये पूरा डिज़ाइन कवर अप हो जाए, हमारी वॉल पूरी कवर हो जाए और डिज़ाइन पूरी बन जाए। तो एक साइड का हम पूरा पार्ट पूरा करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए, जो हमने डायगनल बना करके आपको दिखाया था, उसके अपर साइड एंड लोअर साइड पर हमने कुछ इस तरीके से सर्कल्स लगाए हैं। अभी हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है, एंड बीच में एक्चुअली थोड़ा सा आइडिया ड्रॉप करके ये सोचा कि क्यों ना इसके साइड की वॉल भी को भी कवर कर लिया जाए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये कॉर्नर था, तो इस कॉर्नर पर हमने एक बबल लगाया है, एक सर्कल लगाया है, और इसी के कंटिन्यूएशन में हम इधर की साइड पर डायगनल बना रहे हैं जो ऊपर तक जाएगी, जो सेम हाइट पर जाएगी। थोड़ा सा आप पीछे से व्यू दिखा दें तो समझ में आ जाएगा, ये इस तरीके से कुछ आएगा पैटर्न। तो ये सिर्फ सामने वाली वॉल ना कवर हो करके, ये जो साइड में टर्न हो रही है, ये उस वॉल को भी कवर करने की सोच रहे हैं। तो देखते हैं, सोचना हमारा कितना फ्रूटफुल रहता है, देखते हैं कि एट द एंड ऑफ द वीडियो क्या चीज़ रिजल्ट निकल के आता है, अच्छा होता है या बुरा। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर आपको कितना पसंद आया, और अगर कोई सजेशन हो तो प्लीज़ बताइएगा ज़रूर मुझे। तो अब मैं पूरा बनाने के बाद में ही वापस मिलती हूँ आपसे। देखिए, ये कुछ हमारा फाइनल सा लुक आ रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं कॉर्नर को कवर करके अपना पूरा बनाने की सोच रहे थे, तो हमने थोड़ा सा डिज़ाइन एंड पैटर्न अगेन चेंज कर दिया अकॉर्डिंग टू आवर नीड, वो तो आप भी कर सकते हैं। तो ये रहा कुछ फ्रंट वॉल, सामने से दिखा रही हूँ मैं।
ये रहा फ्रंट वॉल का व्यू जो हमने डायगनल में लिया था, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का पूरा ये डायगनल पार्ट हमने कवर किया जो ऐसे फैला करके आना था। एंड ये हमने बचे हुए स्टिकर से इसको जो बीच में ये लगाया है सो दैट ये एक कंटिन्यूएशन सा बन जाए। एंड ये साइड वाली जो वॉल हमारी थी इसको हमने इस तरीके से कवर अप किया है, इसको इस डायगनल में लिया है। तो इट्स अ काइंड ऑफ वी, जो वी पैटर्न पे बनाने की सोची थी थोड़ा सा कुछ वैसा सा लिया है। और दिस इज़ द ओवरऑल व्यू, ये ओवरऑल व्यू आ रहा है। तो ये था फ्रेंड्स ये मेरा आज का वीडियो, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो मुझे बताइएगा ज़रूर। ये वॉल स्टिकर भी मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था और इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, जस्ट इन केस अगर आप चेकआउट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ये वाला स्टिकर बहुत ही ज़्यादा डिमांड में था, मैं आपको बता दूँ बहुत सारे लोगों ने इसको ख़रीदा हुआ है और बहुत सारे लोगों के इसके अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रखे थे, दैट्स व्हाई मैंने इसे परचेज़ किया था। एंड इसको परचेज़ करने के बाद में जब ये मेरे को रिसीव हुआ तो मुझे बहुत ज़्यादा वो निराशा हुई थी कि इसमें नंबर्स नहीं डले हुए हैं तो हम इसको लगाएंगे कैसे, बहुत दिक्कत आने वाली है। बट बहुत ही अच्छा रहा कि इसको जो है हमने अपने हिसाब से लगाया है, तो नंबर्स होने ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा मुझे कोई खास। हमने इसको अपने हिसाब से पूरा एक इल्यूजन, एक क्रिएशन डिज़ाइनर पैटर्न में डाल दिया है, तो मुझे तो ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रहा है। और आप भी बताइएगा कि आपको कैसा लगा। एंड होपफुली कि ये वॉल ही, इसी कॉर्नर को मैं बनाने वाली हूँ अपने नेक्स्ट यूट्यूब वीडियोज़ के लिए मेन वॉल। तो बैकग्राउंड वॉल जब भी आपको दिखाई देगी तो मेरी भी यही वॉल नज़र आने वाली है आपको मेरे अपकमिंग वीडियोज़ में। एंड अब जैसा कि आपने मेरे पिछले वीडियो में भी देखा था जो इसका सैम्पल स्टिकर था, मैं उस सैम्पल स्टिकर को भी यूज़ करने जा रही हूँ, तो देखते हैं वो मैं कहाँ यूज़ करने जा रही हूँ। तो ये देखिए जो सैम्पल था उसके अंदर जो रिसीव हुआ था सैम्पल, वो मैंने लगा दिया है अपने स्विच बोर्ड पर। कल वाला जो सैम्पल था वो मैंने लगाया था स्विच बोर्ड के कॉर्नर पर, एंड आज जो मैंने लगाया है वो स्विच बोर्ड के ऊपर ही लगा दिया है। तो देखिए ये था मेरा एक छोटा सा हैक, अगर आपको पसंद आया हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और ये था मेरा आज का वीडियो, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में जो मे बी अगेन रहेगा होम डेकोर से रिलेटेड एक नए वॉल स्टिकर के साथ में। मैं आपके साथ में मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।